चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर। एक रॉड है स्टील की, उसका रेडियस है 10 मिलीमीटर, तो आर इक्वल्स टू लिखेंगे 10 mm। मिलीमीटर है तो उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 मीटर। नेक्स्ट, एंड लेंथ ऑफ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर दी हुई है। 100 kN फोर्स, फोर्स दिया है F 100 kN। वैसे किलो का मतलब होता है 10^3, तो 100 × 10^3 न्यूटन। फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ, स्ट्रेचेस अलोंग इट्स लेंथ। कैलकुलेट फर्स्ट स्ट्रेस, पहले फाइंड करना है स्ट्रेस क्या होगा। तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताई हुई है स्ट्रेस की। स्ट्रेस को हम लोग लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स तो एज इट इज, एरिया को लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे फोर्स की जगह 100 × 10^3, पाई लेंगे 3.14 और जो रेडियस है वो लेंगे 10 × 10^-3 का स्क्वायर। तो ये तो सब पावर में है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 100 को 3.14 से, तो ये वैल्यू मिलेगी 31.84। 10^-पावर देख लेते हैं, नीचे ध्यान से देखो तो 10 × 10^-3 है। 10 × 10^-3 का मतलब होता है 10^-2, और 10^-2 का स्क्वायर है, तो 10^-2 का स्क्वायर हो जाएगा 10^-4, वो ऊपर जाएगा हो जाएगा +4, ऑलरेडी 3 है तो 3 + 4 वो बन जाएगा 7, यानी सिग्मा बन जाएगा 31.84 × 10^7। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3.184 × 10^8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ये हुआ तुम्हारा स्ट्रेस का वैल्यू। दूसरी बार पूछा है एलोंगेशन, एलोंगेशन का मतलब होता है डेल्टा एल फाइंड करना है। तो डेल्टा एल के लिए हमें यंग्स मॉडुलस की जरूरत होती है, तो यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन में पीछे दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील y दिया हुआ है तुम्हें 2 × 10^11, तो तुम्हें यंग्स मॉडुलस की फॉर्मूला याद रखनी होगी। यंग्स मॉडुलस की फॉर्मूला होती है y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, जिसमें f अपॉन ए, ये जो टर्म है ना f अपॉन ए, इस f अपॉन ए को हम लोग लिखते हैं सिग्मा, फोर्स अपॉन एरिया। तो उसको लिख सकते हैं सिग्मा एल अपॉन डेल्टा एल, हम डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाएंगे, डेल्टा एल मिलेगा सिग्मा एल अपॉन वाई, जिसमें सिग्मा तुम्हें मिला 3.184 × 10^8, जो लेंथ है वो तुम्हें दी हुई है 1 मीटर, और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 2 × 10^11। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3.184/2, तो ये बन जाता है 1.592 × 10^2, ऊपर 8 है नीचे 11 है, 8 − 11 − 3 मीटर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा डेल्टा एल। तो यहाँ हमको डेल्टा एल मिल गया, यहाँ हमको सिग्मा मिल गया, दो चीजें हमें मिल गई यहाँ पे। उसके बाद तीसरी चीज भी इन्होंने बोली कुछ फाइंड करने को, तो थर्ड चीज इन्होंने जो बोली है इट इज कॉल्ड स्ट्रेन ऑन द रॉड। स्ट्रेन, स्ट्रेन का सिंपल फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, इसको एप्सिलॉन एल भी लिखते हैं। तो एप्सिलॉन एल में जो डेल्टा एल है वो हमको मिला 1.592 × 10^-3, एल जो है वो तो 1 मीटर है, तो आंसर सेम आएगा, मतलब एप्सिलॉन एल मिलेगा
1.592 × 10⁻³, तो ये बन गया तुम्हारा एप्सिलॉन। तो तीनों चीजें हमको मिल गई, कौन सी सिग्मा यानी स्ट्रेस, फिर वाई की फॉर्मूला लगा के हमने डेल्टा एल फाइंड किया और लास्ट में स्ट्रेन फाइंड कर लिया। क्लियर? फिर भी डाउट हो तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जाम्पल सेकेंड। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर, में कॉपर वायर की लेंथ है 2.2 मीटर, स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, कॉपर वायर की 2.2 है, स्टील वायर की 1.6 है, दो अलग अलग मटेरियल है। तो पहले कॉपर को हम 1 नंबर दे देते हैं, तो कॉपर की जो लेंथ है वो बोलते हैं L1, वो है 2.2 मीटर, तो स्टील वायर की लेंथ है 1.6, L2 ले लेते हैं 1.6 मीटर। बोथ ऑफ डायमीटर 3 mm, दोनों का डायमीटर सेम है 3 mm, D ले लेंगे 3 mm, 3 mm यानी इसका जो रेडियस होगा वो उसका हाफ होगा 1.5 मिलीमीटर, ये इसको लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻³ मीटर, ये हो गया इसका रेडियस। आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। व्हेन स्ट्रेच्ड बाय लोड, जब इसको किसी फोर्स से खींचते हैं स्ट्रेच करते हैं, द नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.7 mm। नेट एलोंगेशन मतलब इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर प्लस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर इक्वल्स टू 0.7 mm, मतलब ये डेल्टा एल तुम्हें दिया है 0.7 mm, और इस डेल्टा एल में दो डेल्टा आते हैं, कॉपर का भी प्लस स्टील का भी, दोनों का टोटल 0.7 है, इंडिविजुअल कितना है वो नहीं पता, टोटल 0.7 मिलीमीटर है। ऑब्टेन द लोड, फाइंड करना है फोर्स कितना लग रहा है। क्वेश्चन ऐसा है कि दो वायर हैं कॉपर और स्टील, दोनों को साथ में कनेक्ट किया है, दोनों को जॉइंटली हम एक ही फोर्स दे रहे हैं जिसकी वजह से दोनों का एलोंगेशन हुआ, दोनों की लेंथ चेंज हुई, टोटल लेंथ कितनी चेंज हुई 0.7 मिलीमीटर, उसमें से कॉपर की कितनी चेंज हुई, स्टील की कितनी चेंज हुई वो नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है टोटल कितनी चेंज हुई, और फाइंड करना है हमने फोर्स उसको कितना लगाया। इसमें एक और चीज मिसिंग है, दोनों के यंग्स मॉडुलस नहीं दिए हुए, तो यहां तुम्हें याद रखने हैं Y1 मतलब बात करें कॉपर की, कॉपर का नंबर 1 दिया है, Y1 तुम्हें याद रखना है 1.1 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है किसका कॉपर का, और स्टील का उसको Y2 नाम दे रहे हैं, इट्स 2 × 10⁻¹, याद रख लेना एग्जाम में क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में दिए नहीं है, तो याद रखना कॉपर का 1.1 × 10⁻¹, स्टील का 2 × 10⁻¹। अब दोनों को फोर्स तो एक ही लग रहा है, वो फोर्स कितना हमको पता नहीं है। यंग्स मॉडुलस की हमने एक फॉर्मूला की हुई है y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो अगर मैं बात करूं फॉर कॉपर, तो कॉपर के लिए लिखेंगे y1 इज इक्वल टू एफ l1 ए डेल्टा l1, y1 इक्वल्स टू एफ L1 अपॉन ए डेल्टा L1। देखो मैंने फोर्स और एरिया को नंबर नहीं दिया क्योंकि लोड सेम है और रेडियस सेम है, रेडियस सेम मतलब एरिया भी सेम हो जाएगा। ये फोर्स Cu है, Cu मतलब कॉपर, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। फिर फॉर एल्यूमिनियम, इसको Al बोलते हैं, वो होगा Y2 इज इक्वल टू एफ L2 अपॉन ए डेल्टा L2, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो हमने ये फॉर्मूला दो बार यूज करी, एक बार कॉपर के लिए एक बार एल्यूमिनियम के। अब हम डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा y1 upon y2 इक्वल्स टू, अगर हम इसको डिवाइड करते तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा, एरिया भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या L1 डिवाइड बाय डेल्टा L1, सामने मिलेगा सॉरी डिवाइड में मिलेगा L2 डिवाइड बाय डेल्टा L2,
मतलब ये हो गया इसका रेशियो। अब इसमें वाई वन अपॉन वाई टू सेम, सामने सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एल वन डेल्टा एल टू, एल टू डेल्टा एल वन, ये उल्टा हो जाएगा, एल वन डेल्टा एल टू, एल टू डेल्टा एल वन। फिर इसमें से ये इस तरफ वाई वन एल टू, वाई टू एल वन इज इक्वल टू डेल्टा एल टू अपॉन डेल्टा एल वन। अब यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, वाई वन की जगह डालेंगे 1.1 × 10^11, लेंथ 2, एल टू दिया है 1.6, नीचे वाई टू, वाई टू डालेंगे 2 × 10^11, एल वन लेंगे 2.2, इज इक्वल टू डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल वन एज इट इज। फिर इसमें 10^11 तो कैंसिल, अगर मैं सॉल्व करूं ऊपर 1.1 × 1.6 डिवाइड बाय 2.2, तो ये हो जाएगा 0.4 × Δ L1, जो Δ L1 था लेफ्ट में उसको मैंने राइट में लिया। ये बन गए एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 दे देते। नाउ हमें एक इक्वेशन दी हुई है कि डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू दोनों मिलके कितना हो रहे हैं 0.7, हमें यहाँ लेफ्ट साइड में दिया हुआ है 0.7 मिलीमीटर। फिर इसमें जो डेल्टा एल वन है वो तो एज इट इज, जो डेल्टा एल टू है ना वहां लिख देंगे इक्वेशन 3 की वैल्यू 0.4 Δ L1 इज इक्वल टू 0.7। फिर इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो ये 0.4 और 1, तो ये बन जाएगा 1.4 Δ L1 इज इक्वल टू 0.7। उसके बाद Δ L1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो Δ L1 बन जाएगा 0.7 / 1.4, तो 0.7 / अगर हम 1.4 करें तो ये बन जाएगा Δ L1 इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। इसका मतलब कॉपर में लेंथ कितनी चेंज आएगी 0.5 mm। सिमिलरली ये तो कॉपर की हुई, अगर Δ L2 फाइंड करना हो तो सिंपल बात है दोनों का टोटल 0.7 था, एक का 0.5 है तो दूसरे कितना बचेगा 0.2 mm, टोटल 0.7। लेकिन हमको Δ L नहीं फाइंड करना, हमको फाइंड करना क्या करना है एक्चुअल में, लोड फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट भी ले सकते हो सेकंड भी ले सकते हो, फर्स्ट की बात करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन यानी यंग्स मॉड्यूलस वाली इक्वेशन थी, वाई वन इज इक्वल टू एफ एल वन अपॉन ए डेल्टा एल वन, या तुम्हें फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स को बनाएंगे, सब्जेक्ट मिलेगा वाई ए डेल्टा एल वन अपॉन एल वन। अब फोर्स फाइंड करना है, वाई सेम एरिया को लिखेंगे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल वन डिवाइड बाय एल वन। अब वाई यानी यंग्स मॉड्यूलस, तो यंग्स मॉड्यूलस भी वन नंबर था, वन नंबर का मतलब है कॉपर का, तो वाई वन लेंगे 1.1 × 10^11, पाई की वैल्यू क्या लेंगे 3.14 × रेडियस, तो रेडियस था 1.5 × 10^-3 का स्क्वायर, इंटू Δ L1 भी है तो Δ L1 हमको मिला था 0.5 मिलीमीटर, 0.5 × 10^-3 मिलीमीटर है ना, तो मीटर में करेंगे, डिवाइड बाय L1, L1 हमको मिला है 2.2 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर है 1.1 मल्टीप्लाई है 3.14 मल्टीप्लाई है 1.5, दो बार स्क्वायर है ना, तो 1.5 × 1.5, फिर मल्टीप्लाई है 0.5, तो ये जो वैल्यू मिलेगी, और डिवाइड बाय 2.2 भी कर देते हैं, डिवाइड बाय 2.2, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 1.766,
अब 10^10 देख लेते हैं, -3 का स्क्वायर होगा -6 और -3 -9, 11 में से 9 जाएंगे 10^2 बचेगा, यह इसको लिखेंगे 176.6 न्यूटन, तो ये मिलेगा तुम्हें फोर्स यानी लॉर्ड की वैल्यू। क्लियर एवरीवन? मैं यहां से ये रेड लाइन यहां से कर देता हूं, इसे तुम्हें याद रहे, ये स्टेप एकदम लास्ट में आएगा, ठीक है, ये एकदम लास्ट स्टेप है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने दो यंग्स मॉडुलस की फॉर्मूला ली, दोनों का रेशियो लेके एक फॉर्मूला बनाई, डेल्टा एल टू इज इक्वल टू 0.4 डेल्टा एल वन। उसके बाद हमने जो गिवन है डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू इज इक्वल टू 0.7, उसमें वैल्यू डालकर हमने डेल्टा एल वन निकाला, फिर पहले इक्वेशन में डाल के एफ निकाला। याद रखना तुम दूसरी इक्वेशन भी यूज कर सकते हो सेकंड नंबर, तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। चलो अभी कॉन्सेंट्रेट एग्जाम्पल नंबर 3। इन अ ह्यूमन पिरामिड इन अ सर्कस द एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस्ड ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ अ परफॉर्मर हु इज लाइंग ऑन हिज बैक एज शोन इन फिगर। द कंबाइंड मास ऑफ all the persons performing the act and the tables, plates, etc. involved is 280 kg. The mass of the performer lying on his back at the bottom of the pyramid is 60 kg. Each thigh bone of this performer has length of 50 cm and the effective radius is 2 cm. Determine the amount by which each thigh bone gets compressed under the extra load. Young's modulus diya hai 9.4, extra bhi aayega, it's multiply by 10^9 newton per meter square. Ye tumhe yaad rakhna hai, ye apne body ke bone ka hai, thigh bone hoti hai na koi bhi, to bone ka Young's modulus kya hota hai, 9.4 multiply by 10^9. अब ध्यान से डायग्राम को देखो, नीचे एक पर्सन ऐसे अपनी बैक से लेटा हुआ है, उसकी दो लेग्स हैं और दो लेग्स पे पूरा सिस्टम खड़ा है। तो जैसे ये मास इतना सारा इन दो लेग्स पे आएगा तो लेग्स की जो थाई बोन है वो बहुत कम अमाउंट में कंप्रेस होगी, तो हमें फाइंड करना है कितनी कंप्रेस होगी। यहां बोला है पूरे सिस्टम का मास 280 kg, पूरा सिस्टम मतलब ये परफॉर्मर भी, ये टेबल्स, ये दूसरे लोग, वो सब मिला के पूरा कितना है 280 kg। लेकिन ये जो परफॉर्मर है इसके जो थाइबोन है इसके ऊपर मास जो आएगा ना वो इसका खुद का नहीं आएगा, किसका आएगा, बाकी ऊपर वाले पूरे पोर्शन का। तो सिंपल बात है, हमें 280 में से परफॉर्मर का मास माइनस करना पड़ेगा। अब परफॉर्मर का मास दिया है 60 kg, मतलब जो इस पे एप्लीकेबल मास होगा वो कितना होगा, 280 माइनस 60 यानी कि 220 kg का मास एप्लीकेबल होगा। फिर फोर्स, तो इसका जो फोर्स मिलेगा वो हम लिखते हैं F इक्वल्स टू mg, जिसमें m क्या लेंगे 220, g क्या लेंगे 9.8, तो 220 × 9.8 ये हो जाएगा 2156 न्यूटन, यानी इतना टोटल फोर्स दोनों थाइबोन पे आएगा। तो फोर्स ऑन ईच थाइबोन, एक पे कितना है, फोर्स ऑन ईच थाइबोन, तो सिंपल बात है एक थाइबोन पे जिसका आधा हो जाएगा, उसको नाम देंगे F इक्वल्स टू 2156 डिवाइड बाय 2। तो 2156 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1078। ये हो गया एक थाइबोन पे फोर्स। हमें चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है, तो सिंपल बात है यंग्स मॉडुलस की फॉर्मूला यूज करेंगे, Y इक्वल्स टू FL अपॉन A डेल्टा L।
डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मिलेगा एफ इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए, ए को लिखेंगे पायर स्क्वायर एरिया। इसमें जो लेंथ है तो लेंथ यहाँ पे दी हुई है, थायबोन की लेंथ है 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। इसके अलावा रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब लिखेंगे 0.02 मीटर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 10^-2 मीटर। ये सब वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो डेल्टा एल मिलेगा, एफ की जगह लिखेंगे 1078, एल लेंगे 0.5, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू लेंगे 9.4 × 10^9, पाई वैल्यू लेंगे 3.14, और रेडियस वो है 2 × 10^-2 का स्क्वायर। अगर इसको हम सॉर्ट आउट करें तो डेल्टा एल इक्वल्स टू मिलेगा, इसको वैल्यू सॉल्व करते हैं, 1078 × 0.5 फिर डिवाइड बाय 9.4 फिर डिवाइड बाय 9.4 से डिवाइड करेंगे इसको, उसके बाद डिवाइड करेंगे 3.14 से और उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 से, लेकिन स्क्वायर है तो डिवाइड बाय 4 से करेंगे तो ये मिलेगा तुम्हें 4.56 10^2। तो पावर कितना आएगा, -2 का स्क्वायर था -4, 9 − 4 = 5, नीचे आएगा 10^5, ऊपर जाएगा तो 10^-5, मतलब डेल्टा एल मिला तुम्हें 4.56 × 10^-5 मीटर, यानी ये होगा इसका चेंज इन लेंथ जो कि नेग्लिजिबल है क्योंकि 10^-5 जो है बहुत ही छोटी वैल्यू। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया पूरा? तो ये था कि अगर थाई बोन पे फोर्स पड़ेगा तो उसकी लेंथ कितनी चेंज होगी, 4.56 × 10^-5 मीटर। क्लियर? फिर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। पूरा ध्यान। एग्जाम्पल नंबर 4। अ स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्ट टू अ शियरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस ऑफ 9 × 10^4 न्यूटन। शियरिंग का मतलब है शेप को बिगाड़ने की कोशिश। द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, जो लोअर एज है वो फ्लोर्स के साथ अटैच है, फिक्स्ड है। हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस, तो बोला अपर एज कितना डिस्प्लेस होगा। साइड 50 सेंटीमीटर, थिकनेस 10 सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब वो एक बार देख लो। नीचे हम लोग एक स्लैब रख रहे हैं, ठीक है, मतलब एक सपोर्ट दे रहे हैं उसको।
ये नीचे का फ्लोर है। ठीक है, नीचे फ्लोर पे ये एक स्क्वायर रेडियस का मतलब ये पूरा स्क्वायर है, लेकिन थिकनेस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो इसकी लेंथ है ये 50 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो लेंथ है यहां से यहां ये है इसकी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 है, ये 50 सेंटीमीटर है, ये इसकी लेंथ है और इसकी थिकनेस है, इसको बी बोल देते हैं, एल इंटू बी। तो एरिया बन जाएगा एल इंटू बी, एल 50 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, इट इज कॉल्ड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसको लिख सकते हैं 500 × 10^-4 m². ठीक है, ये तो एरिया बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से इसको फोर्स दे रहे हैं ऐसे पैरेलल, तो फोर्स देने के बाद इसका जो नया जो स्वरूप मिलेगा वो थोड़ा किस टाइप का मिलेगा, सिंपल बात है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा वो। इसको मैं ब्लू में रखता हूँ, सिस्टम थोड़ा ऐसा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इसका न्यू सिस्टम। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना इसमें, ये डिफरेंस होगा एक्स, ये एक्स, ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक्स। हमें ये एक्स जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ये जो शेयरिंग है इसके लिए शेयरिंग फोर्स यानी कि शेयर मॉड्यूलस चाहिए। हमने शेयर मॉड्यूलस पढ़ा है जी वाली फॉर्मूला, यहाँ पे जो शेयर मॉड्यूलस है कौन से मॉड्यूल का, लीड, तो लीड का शेयर मॉड्यूलस होता है 5.6 × 10^-9। ये तुम्हें टेबल में से मिल जाएगा, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में टेबल दी हुई शेयर मॉड्यूलस की, या फिर तुम्हें एग्जाम में गिवन होगा। ठीक है, हमें फाइंड करना है कितना डिस्टेंस आगे को गया, यानी एक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये थी, शेयर मॉड्यूलस इज इक्वल टू, एक्चुअल फॉर्मूला थी एफ एल अपॉन ए एक्स, जी जो क्या फॉर्मूला थी, एफ एल अपॉन ए एक्स, जहाँ एक्स का मतलब होता है जो चेंज आएगा, तो एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मिलेगा एफ एल अपॉन ए इंटू जी। तो इसमें एफ यानी फोर्स, फोर्स हमको गिवन है कितना है, 9 × 10^4 दिया हुआ है। एल मतलब लेंथ, तो लेंथ लेंगे 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 m, डिवाइड बाय एरिया, तो एरिया जो हमको मिली वो है 500 × 10^-4, और जी मैंने बताया तुम्हें याद रखना है 5.6 × 10^9। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 9 × 0.5 डिवाइड बाय 500 डिवाइड बाय 5.6, तो ये मिल जाएगा 0.0016 × 10^2। अब 10^2 कितना होगा, -4 ऊपर जाएगा +4, यानी 4 + 4 = 8, ये -9, 8 - 9 इट्स -1, इसको लिखेंगे 0.00016 m, या इसको लिख सकते हैं
0.016 सेंटीमीटर, यानी इतना सा जो डिस्टेंस है वो उसका क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, या उसको और ज्यादा डिटेल में जाए तो लिखेंगे 0.16 मिलीमीटर। क्लियर? ठीक है, फिर भी कोई सब में डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। क्लियर?